खबर सीहोर से लोकायुक्त की टीम ने पटवारी को रिश्वत लेते दबोचा। लोकायुक्त भोपाल द्वारा बुधवार को रेहटी तहसील में राजस्व विभाग के पटवारी सचिन यादव पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई कर उससे 15,000 रुपयों की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। आवेदक अधिवक्ता एवं कृषक ने लोकायुक्त भोपाल के SP मनु व्यास को शिकायत की थी कि उसकी खेती की 1 एकड़ 20 डिसमिल जमीन ग्राम बोरदी तहसील रेहटी में है, जिसकी रजिस्ट्री तथा नामांतरण की कार्रवाई तहसीलदार रेहटी से वह करवा चुके हैं। इस जमीन के बटान सीमांकन और खसरा अपडेट करवाने के लिए आवेदक से प्रभारी पटवारी सचिन यादव ने 25,000 रुपयों की रिश्वत की मांग की। आवेदक रिश्वत नहीं देना चाहता था, इसलिए आवेदक की शिकायत पर SP लोकायुक्त के द्वारा गठित दल ने बुधवार को कार्रवाई की तथा आवेदक से 15,000 रुपये रिश्वत लेते हुए प्रभारी पटवारी सचिन यादव पुत्र देवेश यादव उम्र 40 वर्ष पटवारी हल्का 44 एवं प्रभारी पटवारी हल्का 6 निवासी नारायण सिटी कॉलोनी नसरुल्ला गंज को पकड़ा। जैसे ही रिश्वत की राशि आरोपी ने तहसील कार्यालय रेहटी में अपने कार्यालय के सामने परिसर में शिकायतकर्ता से ली। शिकायतकर्ता का इशारा देखते ही लोक आयुक्त से आए अधिकारियों ने पटवारी को पकड़ लिया। पटवारी के हाथ धुलवाए जाने पर उसके हाथ लाल हो गए। लोक आयुक्त दल से DSP अनिल वाजपेयी, निरीक्षक रजनी तिवारी, पवन प्रार, रामदास कुर्मी, आर मनमोहन साहू, हेमंत ठाकुर एवं हिम्मत सिंह शामिल थे। मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा का कहना है कि गड़बड़ी करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। मंत्री के निवास शिकायत लेकर पहुंचे किसानों की बात सुनने के बाद मीडिया से चर्चा में राजस्व मंत्री ने कहा कि हर विभाग से इस तरीके से कर्मचारी काम करते हैं तो जनता से सिर्फ रिश्वत लेते हैं बल्कि उन्हें परेशान करते हैं। ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ राजस्व विभाग सख्ती के साथ निपटेगा, चाहे वह कोई भी हो। क्या नाम है आपका? मैं इंस्पेक्टर रजनी तिवारी हूँ, लोकायुक्त भोपाल से। मनमोहन साहू, आज रेहटी तहसील में क्या कार्रवाई की आपने? रेहटी तहसील में आज हम लोगों ने एक पटवारी है, उनको 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। और मामला जो है इस तरीके का है कि एक अधिवक्ता महोदय जो अपना नाम ओपन नहीं करना चाहते क्योंकि उससे उनके प्रोफेशन पर भी अंतर पड़ता है, तो उन्होंने यहाँ बोरदी गांव में 2023 में एक ज़मीन खरीदी थी। वो लगभग 2 एकड़ से ऊपर की ज़मीन है और इस ज़मीन का उन्होंने रजिस्ट्री करा लिया संबंधित ट्रस्ट से और नामांतरण भी फरवरी 2024 में नामांतरण भी करा लिया है। उस ज़मीन में कई सारे हिस्सेदार हैं तो उनमें से किसी एक हिस्सेदार ने इस बात की आपत्ति ली थी कि जब आप बटान सीमांकन करा लेंगे इसका उसके बाद ही ज़मीन पर पैर रखिएगा। तो इस प्रेशर की वजह से वो जब यहाँ तहसील में आए कि हमारा बटान और सीमांकन हो जाए हमारी ज़मीन का ताकि हम उस पर खेती कर सकें, तो ये जितनी आज मुझे जानकारी मिली है पटवारी है सचिन यादव, ये प्रभार में हो उस पटवारी हल्के में, जो मेन पटवारी है वो शायद बीमार हो गया है, छुट्टी पे गया हुआ है। तो इन्होंने ये जो पटवारी है सचिन यादव, इन्होंने इनका बटान सीमांकन और खसरा अपडेट करने के लिए 25,000 रुपये की डिमांड की थी, जिसमें से आज 15,000 रुपये जो आवेदक ने इनको दिया है। रेवेन्यू परिसर में इनका जो ऑफिस है सचिन यादव जी का, वहाँ जैसे ही 15,000 रुपये दिए और उन्होंने सचिन यादव ने अपने पैंट में उसको रखा तो हमारी टीम के जो मेंबर मौजूद थे उन सभी ने उनको पकड़ लिया। रंगे हाथ पकड़ा, सस्पेंड करें बहुत ही है। देखिए कहीं लोगों में समाज में बड़ी विकृति है, ऐसा नहीं कि पटवारी है तेजदारी, ये तो राक्षसी आत्मा जिसमें घुस जाती वो वहाँ वो ऐसे ही काम करेगी। क्यों नहीं करेंगे? अभी तो दिया मुझे, अभी आपने दिया है किसानों ने, करेंगे ठीक है। आपको भी चिंता है, सभी मीडिया कर्मचारी बहुत बढ़िया है, ऐसा लाना चाहिए। मैं तो विधानसभा में भी हमारे लोगों से कहता हूँ, विधायक से, कि सारी जांच कर मुझे बताओ, कार्रवाई करो, मुझे कोई लेना देना नहीं किसी से। आपको मेरे बारे में जानते हैं, मेरे बारे में मैं बिल्कुल सख्त कार्रवाई करूँगा, जहाँ भी होगा, जहाँ मुझे किसान के द्वारा शिकायत मिलेगी एफिड लेगा पैसे का उसके खिलाफ कार्रवाई करूँगा। सर कोई आदेश निकाली ना जिस नौबत ही ना आए किसान, आप बोलते हो कि तहसीलदार को लौटना चाहिए लेकिन तहसीलदार तक तो किसान पहुंच ही नहीं पाता, पटवारी और अड़ाई के बीच में झूलता रहता है। देखिए पटवारी भी एक कड़ी है हमारी, बिगर पटवारी से वो भी कड़ी है। हमने हमारे मुख्यमंत्री ने बहुत ही सख्त नियम बनाया है। अब आप देखिए राजस्व विभाग में एकदम तो हम कह नहीं सकते गलत हो रहा, 30 लाख प्रकरण इतिहास में आज तक कभी निपटारा नहीं हुआ, चाहे सीमांकन का हो, नामांतरण का हो, बंटवारे का हो, हक त्याग का हो, दुरुस्तीकरण का हो। तो ये काम भी किया हमारे कलेक्टर कमिश्नर तहसीलदारों ने। अब कोई ना कोई, वो तो हर घर में भी एक आध बदमाश होता है,
तो कहीं जो बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, बाकी लोग मेहनत भी करते हैं रेवन्यू विभाग में, सब मिलजुल के काम करते हैं, और जो गंदा आदमी उसके खिलाफ कार्रवाई करें छोड़ेंगे नहीं किसी, कोई रेवन्यू मिनिस्टर का कोई ना रिश्ता है किसी से, सिर्फ इंसाफ, किसानों को इंसाफ दिलाने के लिए मैं बैठा हूँ, मुख्यमंत्री जी ने बिठाया है, हमारे प्रधानमंत्री ने बिठाया दिल्ली से, करूंगा बिल्कुल। खबर भारत वर्ष के लिए रहती सीहोर मध्य प्रदेश से फिर रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।